हाई गाइज़ वेलकम टू एम बी ए पॉडकास्ट टुडे वी हैव निवेदिता बोरे फ्रॉम मुंबई एंड शी क्रैक मल्टीपल एग्जामिनेशन कैट का एग्जाम क्लियर हो गया एंड शी गॉट कॉल फ्रॉम आई एम रोहतक आई एम राँची उदयपुर रायपुर काशीपुर विशाखापट्टनम सो ऑल दीज आई एम्स हैव कॉल्ड शी गॉट द कॉल फ्रॉम ऑल दीज आई एम्स उसके बाद सिम्बासिस भी क्रैक हो गया स्नैप के एग्ज़ाम्स के थ्रू एस आई आई बी पुणे एंड एस आई वी एम बेंगलोर सो टू डे वी फर्स्ट ऑफ ऑल निवेदि कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू थैंक यू सो मच ओके सो टू डे भी अंडरस्टैंड हाउ शी प्रिपेयर दैट इज द वन सेकेंड अभी थोड़ा प्रेशर है वैट और पी आई को लेकर के तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम अभी उसको लेकर के वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज हाउ टू क्रैक वैट एंड पी आई बट कॉल्स आ गया दैट इज द गुड न्यूज सो दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि भाई इतने सारे आई एम से कॉल आ गया है इतने सारे कॉलेज से कॉल आ गया है एंड इन एडिशन टू दिस शी इज़ टारगेटिंग फॉर टेस्नेट ऑल्सो अभी ट्वेंटी सिक्स को टेस्ट का एग्जाम है सो नाव शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर टी आई एस एस सो ये इतने सारे एग्जाम्स क्रैक हुआ है सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ यू नो मोटिवेशन फॉर ऑल यू पीपल दोज हुर टारगेटिंग फॉर कैट स्नैप इस एग्जामिनेशन मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम लिखने का यही फायदा है कि कोई कोई एग्जाम आपका फॉर क्रैक sure होता ही होता है सो लेट्स टॉक टू अंडरस्टैंड हाउ शी प्रिपेयर बैकग्राउंड एंड ऑल सो निल इंफॉर्मेशन हाउ यू योर अकेडमिक एंड हाउ डिज कैट हाउ डिज how this एंट्रेंस आइडिया केम came into द पिक्चर okay so king uh, uh, like i have done my uh, bachelor of engineering and technology and uh, after that I'm, i started preparing for cat then i took a break because then I again started back in uh, august and then accordingly i prepared for the same from august i gave an no, uh, exam in november Okay. prior to august she started then quit then quitted her preparation later on august september october और अपना नवंबर दिसंबर में एग्जाम बीता है ठीक है कैट और स्नैप का और अभी टेस्ट आ रहा है तो नाउ शी इज़ टारगेटिंग फॉर टेस्ट के टेस्ट निकल जाए तो फीस कम है तो वहाँ पे सिलेक्शन <laughs> हो जाएगा सो एनी वेज सो वी आर टारगेटिंग फॉर टी आई एस एज़ व प्रिपेयरिंग फॉर टी आई एस एस ऑल्सो सो नॉट एन इशू ओके सो शी जॉइंड फॉर दी लाइव क्लास एंड ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना होता था, था बिकॉज शी इज़ वर्किंग डिफिकल्ट होता था, था दोनों चीज़ को कैसे बैलेंस करना तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल दी एस्परेंट जो लोग वर्किंग भी है और एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते ऐसा कुछ नहीं है इट इज़ जस्ट डेट हाउ यू कैन यू नो बिल्ड योर रोड मैप हाउ यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर डे इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ द वर्क डेफिनेटली पॉसिबल है सो निवेदिता वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आपने डे को कैसे चैनलाइज किया था प्रिपरेशन को लेकर के आई डिट नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस वॉट एवर दो तीन महीने रह गए तो मैं ज्यादा स्ट्रेस लूंगी ऐसा कुछ नहीं Uh, जो भी मतलब नॉर्मली मेरा डे चल रहा था ना वैसे ही मैंने डे जाने दिया ऐसा मैंने डिसाइड कर रखा था कि पहले मैं इंग्लिश का जो भी मतलब कंटेंट अवेलेबल होगा जितना भी मुझसे मतलब जितना भी मेरा कैपेसिटी है आई स्टडी दैट आई मतलब जितना भी पास पेपर्स है मतलब मॉक तो मैं हर वीक में देती थी एक बार एंड uh, वो एनालाइज़ करती थी द सेम डे क्योंकि फिर क्वेश्चन भूल जाएंगे एंड सेकेंड डे मे कोई याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या अप्रोच यूज़ किया था और क्या मेरे को यूज़ करना चाहिए था तो इट्स बेटर टू एनालाइज़ द मॉक द सेम डे सो एंड उसके बाद uh, मतलब जितना मेरा मन होता था मेरा मन है कि मैं इंग्लिश पढ़ूँ दो तीन घंटा मैं इंग्लिश पढ़ती थी फिर अगर मेरा मन नहीं किया कि मैं मैं एल आर डी आई एंड कॉन्ड्स पर फोकस करूँ सो आई आई डि नॉट स्ट्रेस माई सेल्फ दैट मच जैसे फ्लो फ्लो में मतलब मेरा जो भी आ, अगर मेरे को आ, कुछ सॉल्व करने का मन कर रहा है तो आई यूज़ टू सॉल्व कॉर्न एल आर डी आई आई डिन नॉट फोकस एल ऑन एल आर डी आई फॉर द फर्स्ट टू मंथ्स आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन वर्बल एंड कॉन्स बिकॉज आई वॉज नोइंग वर्बल इज माई स्ट्रॉन्ग सो आई शुड फोकस ऑन वर्बल मोर बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम तो आई फोकस्ड ऑन वर्बल मोर

Uh, I am from engineering background but the thing is fonts was not that easy for me uh, i think verbal was much more easy and when it's come to the cat to dilr to her time tough hi hota hai to wahan pe apan score maximize karna is difficult तो आपको score maximize या तो काउंट में कर लो या तो फिर verbal में कर लो So what she has done कि verbal पे ज्यादा focus किया कि वहां perform अच्छे से करके percentile push किया या Okay, now uh,

जैसे जैसे टाइम मिलता था आई यूज टू सॉल्व द गिवन बाय दिस बट आफ्टर दैट मैंने मतलब सब क्विट कर दिया उसके बाद अगस्त में आई वाज स्ट्रेस्ड एट दैट मोमेंट कि अभी दो तीन महीने बचे हैं तो मैं कैसे करूँगी बट देन आई हैड अ वर्ड विद अ मेंटर फ्रॉम द क्लासेस दे एडवाइज मी टू फोकस मोर ऑन द

तो वो तो मेरा मतलब चार साल इंजीनियरिंग uh, करने के बाद इट हैड बिकम अ हैबिट तो इट इज़ नॉट लाइक कि तुम्हारे पास इतना ही वक्त बचा है तो तुम लोग उतने में ही पढ़ाई कर सकते हो एंड तुमको कम पढ़ाई होगा ऐसा कुछ नहीं होता इफ़ यू हैव वन ईयर टू स्टडी एंड यू हैव वन मंथ टू स्टडी इट इज़ इक्वी वैलेंट बोथ आर इक्व्यू वैलेंट इट डिपेंड्स ऑन हाउ हाउ यूर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट एवर योर स्टडी नॉट कि सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ एंड यू आर नॉट इवन गेटिंग दैट तुम लोग जितना भी पढ़ो इवन इफ यू स्टडी इंग्लिश ओके इंग्लिश वर्बल सेक्शन तो स्टडी इट ऐसा जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में मतलब मॉक टेस्ट तुम लोग दोगे देन यूल रियलाइज कि वट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जाम सो टारगेट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट रीडिंग एसेज स्टार्ट इंक्रीजिंग योर स्पीड ऑफ रीडिंग राइट स्टार्ट इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड एंड ऑल्सो यू कैन सॉल्व पजल्स लाइक पजल्स लाइक सुडोको एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो दैट आपकी जो थिंकिंग है वो इंक्रीज होगी एंड फॉर क्वान्स आई थिंक आई शुड हैव स्टडीड मोर सो मेको शायद और ज्यादा मार्क्स आते एंड लिटरली तुम लोग कितना भी क्वान्स पढ़ लो यू आर गोइंग टू गेट दैट फीलिंग कि मे को और सॉल्व कर सकती थी मैं और करना चाहिए था सो so, तुम लोग बेसिक्स क्लियर रखो एंड uh, जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैट में वो टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बेसिक्स पे सिर्फ मत अटके रहो बट बेसिक्स से आगे भी बढ़ो सो ए मैं कॉन्ट कितना भी पढ़ लिया तो लगेगा कि कॉन्ट करना ही है बिकॉज कैट ये रीजन इसका ये कि कैट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सो आई हैव है माई कैट मोर देन टू थ्रू थ्री टाइम्स एंड ये एक कैट का स्पेशलिटी है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और मल्टीपल चैप्टर से एप्लीकेशन होगा फॉर एग्जांपल परसेंटेज है तो परसेंटेज से ही लेक्चर टॉपिक क्वेश्चन नहीं होगा उसके अंदर प्रोग्रेशन भी चल रहा होगा टाइम एंड वर्क भी चल रहा होगा तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको कैट में मिलेंगे और डी आई तो ऑल टाइम इट इज़ अ टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट ओके सो एंड वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन एंड एज एज यू मैंशन की जब आप प्रिपरेशन कर रहे तो फोकस होकर प्रिपरेशन करो मॉक लिख रहे तो हो तो फुल मॉक लेकर हो सीरियस हो गया कि ये मेरा एक्चुअल एग्जाम है वो सीरियसनेस नहीं होगी तो इट विल भी डिफिकल्ट दैट यू विल भी परफॉर्मिंग वेल यू विल भी टेकिंग इट ऑन सीरियस नोट तो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड सो दैट्स ऑल गाइज दिस इज़ वॉट द कम्प्लीट पॉडकास्ट विथ रिगार्ड्स टू दू नो ऑल द एग्जाम विच क्रैक बाई द निवेदिता सो यू शुड ऑल्सो आई मीन आफ्टर वाचिंग दिस स्पॉट का यू शुड ऑल्सो टारगेट फॉर दी टॉप MBA colleges, or the way she has prepared, you can implement the same, or you, you will also crack it and get into the top MBA colleges. Okay, so that's all, and keep on watching all the upcoming podcasts. Test ko ke podcast MBA ko Laker and very soon we are coming up with another podcast also. So stay tuned, and thank you, Nevita, coming and sharing your experience, so that other people, those, so the viewer who are watching this podcast and targeting for their top three colleges, they will also get it. All the very best. Bye bye.